दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ही डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी फिल्में हर कोई देखना पसंद करता है, फिर चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो या फिर किसी भी जनरेशन के हो, हर कोई इनकी फिल्म देखना पसंद करता है। और उन्हीं यादगार और अवार्ड विनिंग फिल्मों को बनाने वाले फिल्म निर्माताओं में से एक है संजय लीला भंसाली। जी हाँ, आपने सही सुना, ये इंडियन सिनेमा के ऐसे फिल्म मेकर है जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई है और इनकी कोई भी फिल्म आज तक फ्लॉप नहीं हुई है। पद्मावत, देवदास और बाजीराव मस्तानी ऐसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर संजय लीला भंसाली अब पहली बार बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान के साथ एक ऐसी ही एपिक वॉर ड्रामा फिल्म बनाने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वही फिल्म है जिसको संजय लीला भंसाली 7 साल पहले अनाउंस किया था, जिसका नाम था इंशाल्लाह। उस समय फिल्म के टाइटल के साथ ही मेकर्स ने फिल्म की कास्ट में अनाउंस कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में आपको सलमान खान, आलिया भट्ट और संजय दत्त देखने को मिलने वाले थे और खबरें तो ये भी सामने आई थी कि फिल्म का शूट भी शुरू हो चुका था। लेकिन दोस्तों उस वक्त संजय लीला भंसाली और सलमान खान की किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी, जिसके चलते इस फिल्म पर काम करना बंद कर दिया गया था। और अब 7 साल के बाद एक बार फिर से इस फिल्म को लेकर खबरें तेज हो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, संजय लीला भंसाली अब एक बार फिर इस फिल्म पर काम शुरू करने जा रहे हैं और ऐसे में अब इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। खबरें है कि इंशाल्लाह फिल्म में सलमान खान के साथ आपको किंग खान यानी कि शाहरुख खान एक स्पेशल कैमियो में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, साल 2023 में 3 बड़ी सुपरहिट फिल्में जवान, पठान और डंकी के बाद अब किंग खान इंशाल्लाह में भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, इंशाल्लाह फिल्म के एपिक वॉर ड्रामा होने वाली है जिसमें आपको एकदम नई और यूनिक स्टोरी देखने को मिलने वाली है। फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन सीन के साथ ही खतरनाक वीएफएक्स भी देखने को मिलेगा, साथ ही फिल्म का वीएफएक्स भी रेड चिलीज करने वाला है। इसी के साथ बात करें फिल्म की बाकी के स्टार कास्ट की, तो दोस्तों फिल्म में आपको सलमान खान और शाहरुख खान के साथ आलिया भट्ट और संजय दत्त भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इसी के साथ बात करें फिल्म की रिलीज डेट की, तो दोस्तों खबरें है कि मेकर्स बहुत जल्द फिल्म के अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इंशाल्लाह फिल्म आपको 2025 तक बड़े पर्दे पर देखने को मिल सकती है। ऐसे में दोस्तों आप सभी सलमान खान और शाहरुख खान को एक साथ एपिक वॉर ड्रामा फिल्म में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों से जुड़े ऐसे ही मजेदार अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।